माँ भारती की मोदी को दो टूक। लोकसभा चुनाव को लेकर भगवतधारी ने लिया बड़ा फैसला। इस फैसले से उड़ जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी के होश। अब नहीं रुकने वाली है ये भगवतधारी शेरनी। शाह को लगता है कि पूरे देश में उनकी हुकूमत चलेगी। बीजेपी में तो उनकी इजाजत के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलेगा और जो आग दिखाने की कोशिश करेगा उसे घर बिठा दिया जाएगा। और अगर किसी ने मोदी शाह से बड़ा बनने की कोशिश की या फिर इस जोड़ी के अलावा उसकी चर्चा ज्यादा होने लगी तो मोदी शाह उसे राजनीति से निकाल कर बाहर फेंकते हैं। बीजेपी के ऐसे कई वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें मोदी शाह युग वाली बीजेपी में कोई जगह नहीं मिली। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी कुछ ऐसे ही नाम है जिनका ज्यादा लोकप्रिय होना इस जोड़ी को कभी नहीं भाया था। और अब आप सभी जानते हैं कि उन्हें संगठन या पार्टी में क्या जिम्मेदारी दी गई है। कुछ ऐसा ही पार्टी मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती के साथ करना चाह रही थी, लेकिन उमा भारती मोदी के सामने अपनी आवाज उठाने की ताकत रखती है। उमा भारती कई बार साफ कर चुकी है कि वो झुकने वाले नेताओं में से नहीं है और अब हाल ही में उमा भारती ने एक बार फिर से मोदी को चैलेंज कर दिया कि वो अपने मुद्दों से नहीं हटने वाली, चाहे उन्हें चुनाव लड़वाया जाए या फिर नहीं। मध्य प्रदेश के भोपाल में विधानसभा चुनावों के रिजल्ट से ठीक पहले उमा भारती ने ऐसा बयान दे दिया जिससे मोदी शाह के होश उड़ जाएंगे। उमा भारती भले ही आज एमपी की सीएम नहीं है लेकिन उनका बुंदेलखंड में काफी वर्चस्व है। उमा भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगामी चुनावों को लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव वो लड़ना चाहती है, बाकी पार्टी का जो फैसला होगा वो मानेंगी, लेकिन अपने मुद्दों से अलग नहीं हटेंगी, अपने मुद्दों पर अड़ी रहेंगी। भारती ने कहा, मैं शराब खनन माफिया से जुड़े मुद्दों को लेकर मुखर रहूंगी, इन मुद्दों को नहीं छोड़ सकती। इन्हीं कदमों पर चुनाव लड़ाते हुए मुझे पार्टी चुनाव लड़ाने की इच्छा रखती है तो करे, मुझे पार्टी कोई जिम्मेदारी देने की इच्छा रखती है तो करे, लेकिन शराब खनन गौ रक्षा से जुड़े मामलों में लड़ने की जिम्मेदारी तो परमात्मा ने मुझे दी है। उमा भारती हिंदुत्व की राजनीति करती है, वो अपने मुद्दों से अपनी बातों से कभी पीछे नहीं हटती। चुनावों को लेकर ही नहीं, उमा भारती ने बीजेपी को आगाह भी किया और याद दिलाया कि ये मोदी शाह युग वाली बीजेपी नहीं बल्कि आज कुशाभाऊ ठाकरे जैसी बीजेपी की जरूरत है। भारती ने कहा, पार्टी के खर्चे पर कंट्रोल करना जरूरी है। नेताओं और पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं के घर और गेस्ट हाउस में रुकना चाहिए, ना कि होटलों में ठहरना चाहिए, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो साल 2003 में कांग्रेस का हुआ था। अब कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता सिंधिया, अटल जी, आडवाणी जैसा काम करना होगा। वैसे तो उमा भारती ने बिल्कुल ठीक कहा, ये कुशाभाऊ ठाकरे वाली बीजेपी नहीं। अटल जी का नाम बीजेपी लेती जरूर है लेकिन उनके विचारों को धारण नहीं कर पाएगी। आपको याद होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और साल 2002 में राज्य में दंगे हुए, उस वक्त अटल जी ने मोदी के मुंह पर ही उन्हें राजधर्म का पालन करने के लिए कहा था। तब ये बात सुर्खियों में थी कि वाजपेयी वहाँ के हालातों से खुश नहीं है, लेकिन अब वैसी राजनीति और वैसे राजनेता रहे ही नहीं जो राजधर्म का पालन करे। और जो कुछ उमा भारती जैसे नेता हैं उन्हें बीजेपी साइडलाइन करने में जुट जाती है। वैसे तो ये कोई पहली बार नहीं है जब मोदी को उमा भारती ने ललकारा हो। इससे पहले भी उमा भारती को जब चुनाव प्रचार के लिए एमपी की जनसभाओं में नहीं बुलाया गया और सिंधिया को जगह दी गई, तब भी भारती ने दो टूक कहा था कि इस रवैये से उन्हें बुरा लगा है और अब अगर पार्टी बुलाएगी तो भी वो किसी जनसभा में नहीं जाएंगी। जैसा उमा भारती ने कहा था वैसा उन्होंने किया भी। उमा भारती पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंची, जिसके बाद मोदी को भी समझ आ गया कि अब उमा भारती झुकने वालों में से नहीं है। लेकिन सभी जानते हैं बीजेपी की नीति रही है जो मोदी शाह के सामने मुखर होने की कोशिश करे उस आवाज को ही दबा दो। हो सकता है कि अपने इस बयान का खामियाजा भी उमा भारती को भुगतना पड़े। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।